नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 और 7 में व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में समझूती लेंगे। विराम चिन्ह, विराम यानी रुकना या रुकावट। इसकी परिभाषा देखिए तो किसी भी भाषा को बोलते, सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं लेकिन हर किसी भाषा को, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत आदि किसी भी भाषा की बात कीजिए, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते, जब लेखन हो और उसको जब पढ़ते हैं उस वक्त, और लिखते समय, बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जो अर्थ जिस भाव से उस वाक्यों की रचना की गई है उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच, दो जो वाक्य है उसके बीच में या अंत में, वाक्य के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है, कुछ देर के लिए ठहरना पड़ता है। हर किसी भाषा में वाक्य के अंत में या बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत, उस रुकावट के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। रुकावट का संकेत देने वाले लिपि, लिपि यानी कि भाषा, लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो बाल दोस्तों, आपने समझा कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते वक्त उसके भावों को, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उस चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, वह देखते हैं। पहला दृष्टांत है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द भी है और उसके अंत में प्रश्नार्थ है, यानी कि इस वाक्य को पढ़ते वक्त उसके अंत में यह चिन्ह जब हम देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। वाक्य फिर से पढ़ते हैं, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। यह प्रश्न शिक्षिका ने किया और इसके लिए यह सूचक शब्द है प्रश्नार्थ, और यह शिक्षिका ने जैसा वाक्य बोला अपने मुंह से वैसा ही लिखा हुआ है, इसके लिए इसके शुरुआत में और अंत में अवतरण चिन्ह दिया गया है, वह भी दोहरा। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे उद्गार चिन्ह है यानी कि विस्मयादाबोधित चिन्ह, यानी कि यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया गया कि गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, यानी कि हृदय के भावों को व्यक्त किया है, और हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्ह दिया गया है, और वह यहाँ पे संकेत है। इसके लिए जो भी व्यक्ति यह वाक्य पढ़ेगा तब उसे उस भाव को लेकर यह वाक्य पढ़ना होगा। आगे वाक्य है, किशन ने कहा, उसके बाद अल्प विराम है, यानी कि यह कहने के बाद कुछ देर यहाँ पे ठहरना है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, उसके बाद भी अल्प विराम है, यानी कुछ देर के लिए यहाँ भी रुकना है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। यहाँ पे माहिती पूर्ण हुई इसलिए उसके अंत में पूर्ण विराम है। फिर से देखिए, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। आगे वाक्य है, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, और उसके अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह। आगे देखिए, क्यों उसके बाद अल्प विराम है, यानी कि वहाँ पे ठहरना है, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, उस यह प्रश्न दिया गया है, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। आगे एक वाक्य है जो आपको देखना है, आपने अपना काम किया। देखिए बाल दोस्तों, इसके अंत में प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिया, प्रश्न किया गया है। उसी वाक्य को विराम चिन्ह बदलकर अन्य रूप से भी हम पूछते हैं, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया। अगर उस इरादे से हम पूछेंगे तो यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन उद्गार चिन्ह आएगा। किस तरह से, आपने अपना काम किया, यानी कि आप तो कभी अपना काम करते नहीं थे, इस बार ही किया, यानी कि यह आश्चर्य है। और उसके बाद पूर्ण विराम के रूप में भी हम ले सकते हैं कि आपने अपना काम किया। तो
तो बाल दोस्तों इस विराम चिन्हों के आधार पे भाव व्यक्त होता है। जैसे कि एक ही वाक्य में मैंने प्रश्न भी पूछा, आश्चर्य चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह भी लगाया और पूर्ण विराम भी, यानी कि विराम चिन्हों का भाषा में यानी किसी भी भाषा में बहुत ही बड़ा महत्व है। भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अपने विचारों अपने भावों को लेखन कार्य में वक्ता के रूप में या किसी भी रूप में वह विराम चिन्हों के द्वारा ही अपने भाव अन्य व्यक्तियों के साथ प्रकट कर सकता है। इन वाक्यों को इन विराम चिन्हों को इस वाक्य के आधार में तो हमने देखा, लेकिन अब हम इन सारे वाक्यों के विराम चिन्हों को जो भी विराम चिन्ह है वह हम विस्तृत से समझौती अब प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह यानी रुकना या रुकावट। विराम चिन्ह का पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से, पूर्ण विराम यानी यह चिन्ह किस जगह पर लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम यानी किसी माहिती का पूर्ण होने का बोध हो, संपूर्ण माहिती हो, उसमें किसी भी भाव की बात नहीं लेकिन सिर्फ माहिती या विगत पूर्ण होने की बात हो, तब अंत में यह चिन्ह पूर्ण विराम का लगाया जाता है। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह है। दूसरा वाक्य देखते हैं, सीता स्कूल नहीं गई। यहाँ पे नहीं गई यह वाक्य भी विगत पूर्ण रूप से होती है, इसलिए उसके अंत में यह चिन्ह पूर्ण विराम का आता है। दूसरा चिन्ह है अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह यह है, अल्पविराम यानी कि थोड़ा सा रुकना किसी बात के लिए या किसी जगह पे, किसी बात को कहते हैं हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, अल्प यानी थोड़ा सा रुकना, वहाँ पे अल्प विराम यानी कि यह चिन्ह का संकेत किया जाता है। वाक्य देखते हैं, राम सीता और लक्ष्मण घर गए। यहाँ पे राम के बाद अल्प विराम है, यानी कि राम के बाद कुछ ठहरना है, राम सीता और लक्ष्मण घर गए। आगे वाक्य है, रोको मत उसके बाद कुछ देर के लिए ठहरना है, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे भी कुछ देर रुकने का यानी कि अल्प विराम का यहाँ पे संकेत दिया जाता है। और जाने दो यह वाक्य पूर्ण हुआ, इसलिए उसके अंत में पूर्ण विराम है। आगे वाक्य है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी किसी की बारे में माहिती लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले हम उसको प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के उत्तर में हमें विगत या माहिती मिलती है। यानी कि जब भी किसी के बारे में माहिती देनी हो लेनी हो तब हम प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं। लेखन कार्य में प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरह से किया जाता है। वाक्य देखते हैं, क्या तुम विद्यालय गए थे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम विद्यालय गए थे, तो उसका उत्तर मिलेगा, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह किया जाता है। आगे वाक्य है, तुम क्या करते हो यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि करते क्या हो, तो उस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह किया जाता है। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी आश्चर्य और यह चिन्ह किसी हर्ष शोक गहरे घाव चोट लगने पर यानी कि अरे हाश वाह जैसे शब्द जब उच्चार करते हैं या लेखन में लिखते हैं उस वक्त यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि इस तरह का चिन्ह किया जाता है। वाक्य देखते हैं, वाह आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे यह उद्गार चिन्ह है, उसका सूचक शब्द है वाह यानी कि उसमें हर्ष है।
आश्चर्य है, इसलिए इस वाक्य के शब्द के पीछे आश्चर्य चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह किया जाता है। अरे क्या हो गया, यहाँ पे आश्चर्य चिन्ह आश्चर्य व्यक्त किया गया है यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है, वह हमारे हृदय के भावों को प्रकट करता है, इसलिए उस शब्द प्रकट करते हुए शब्द के अंत में यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आगे देखते हैं योजक चिन्ह। बाल दोस्तों, योजक चिन्ह है वो दो समान सामायिक शब्दों के बीच में लगाया जाता है, दो शब्द जो एक शब्द दूसरे शब्द के साथ कई बार लिया जाता है उन शब्दों को जोड़ने के लिए यह शब्द यह योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख, यह सुख दुख सामायिक शब्द है, दोनों ही कई बार साथ में आते हैं और बोले भी जाते हैं, तो सुख दुख आते रहते हैं यानी सुख और दुख भी के बीच में जो यह चिन्ह है वह योजक चिन्ह है। आगे देखते हैं माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, यानी माता के साथ पिता दोनों शब्द सामायिक शब्द है, एक दूसरे के साथ दूसरा शब्द लिया जाता है उन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी कि माता पिता उनकी सेवा ही सच्ची पूजा है, यानी ये दोनों शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में कुछ ही तफावत है। योजक चिन्ह सामायिक शब्दों के लिए यानी कि वह छोटा होता है, और निर्देशक चिन्ह वह किसी व्यक्ति के द्वारा बात की जाए तो उसको दर्शाने के लिए उसके सामने ही यह निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कैसे, तो देखते हैं ग्राहक उसके बाद निर्देशक चिन्ह यानी कि ग्राहक के बाद निर्देशक चिन्ह यानी कि ग्राहक कहता है उसी के ही शब्दों में इस पुस्तक का मूल्य, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। आगे देखते हैं दुकानदार, दुकानदार के बाद भी निर्देशक चिन्ह यानी कि दुकानदार कहता है यह 25 रुपये की है, यानी कि जब व्यक्ति जो भी बोलता है उसके सामने वैसे ही वाक्य रचना जब लिखी जाती है तो वाक्य रचना और बोलने वाले दोनों के बीच में निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह अगर किसी शब्द को उसी का दूसरा रूप देने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वैसे तो कोष्टक चिन्ह तीन प्रकार के हैं, छोटा कोष्टक, कोष्टक मझला और बड़ा वाला, लेकिन बाकी के जो दो कोष्टक चिन्ह हैं वो गणित विषय में उपयुक्त होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भाषा के आधार ये छोटा कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। छोटा कोष्टक चिन्ह अगर किसी की माहिती रुक उसी के आधार पे अगली माहिती देनी हो या उसी शब्द का दूसरा समानार्थी शब्द देना हो, उसे कुछ छोटा रूप देना हो, तो उस वक्त छोटा कोष्टक चिन्ह दिया जाता है। छोटा कोष्टक चिन्ह इस प्रकार का है। दृष्टांत देखते हैं, अध्ययन, अध्ययन के बाद कंस में यानी कि छोटे कोष्टक में दिया गया है पढ़ना, अध्ययन का दूसरा अर्थ क्या है, पढ़ना, यानी कि छोटा कोष्टक चिन्ह उसके समान अर्थ देने के लिए भी प्रयोग होता है। तो वाक्य देखते हैं, अध्ययन यानी कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ है। दूसरा है विरोधार्थी, कंस में है विलोम, यानी कि कोष्टक चिन्ह में विलोम शब्द दिया गया है, यानी कि विरोधार्थी को हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो विरोधार्थी का कोष्टक चिन्ह में शब्द है विलोम, यानी कि विरोधार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। बाल दोस्तों, यह आपके टेस्ट या एग्जाम में भी यह शब्द प्रयुक्त होते हैं कि विरोधार्थी शब्द और कंस में विलोम शब्द भी दिया जाता है। आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, एक हरद अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसमें एक एक चिन्ह दिया गया है वह एक हरा चिन्ह है और
दो दो चिन्ह दिया गया है अवतरण का, वह दोहरा अवतरण चिन्ह है। पर दोनों में तफावत किया है कि एक हरा अवतरण चिन्ह है वह किसी लेखक, किसी पाठ, किसी उपन्यास का नाम देने के लिए एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग तो होता है। दृष्टांत देखते हैं, समझदार नहीं, यह क्या है, एक पाठ का शीर्षक है, यानी कि शीर्षक के लिए भी एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने दोनों साइड इसका प्रयोग किया है। तो समझदार नहीं पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है। दूसरा दृष्टांत देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो निराला यह उनका उपनाम है और उपनाम के आसपास हमने एक हरा अवतरण चिन्ह दिया है। अब हम दोहरे अवतरण चिन्ह के बारे में समझेंगे। दोहरा अवतरण चिन्ह है वह किसी व्यक्ति ने जो वाक्य अपने मुंह से बोला हो शब्दशः वही वाक्य शब्दों में वहां पे लिखा जाता है, जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया नहीं जाता लेकिन वैसा का वैसा ही वाक्य वहां पे उपयुक्त होता है, उस वक्त अवतरण चिन्हों का प्रयोग होता है। और दूसरा, किसी काव्य पंक्ति सूत्र आदि को दर्शाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति ने जो शब्द अपने आप बोले हो वही शब्दों को सर्वनाम लगाकर वैसे का वैसा वह वाक्य लिखने वक्त दोहरे अवतरण चिन्हों का प्रयोग होता है। और किसी के महानुभावों के दिए गए सूत्र, किसी काव्य पंक्ति की दो पंक्तियाँ या सूत्रों को दर्शाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। शुरुआत में और अंत में दोहरे अवतरण चिन्हों का प्रयोग होता है। तो बाल दोस्तों, इस तरह से हमने विराम चिन्हों की समझ ली। और अब आप जब भी किसी वाक्य को या किसी पैराग्राफ को जब पढ़ रहे हो तभी अवतरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। लिखते वक्त तो करेंगे ही, साथ में जब भी आप इस अवतरण चिन्हों को पढ़े तब आपके आरोह अवरोह और भाव दर्शाने के लिए और समझने के लिए भी अवतरण चिन्ह बहुत ही आवश्यक है।